आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही आसानी से बन जाने वाली सिंपल मजेदार फिश करी की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हुई है हलवा फिश। इसके पतले पतले स्लाइसेस किए हुए हैं, ये करीब आधा किलो है। इसे हम पहले मैरिनेट कर लेते हैं। 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच डालना है कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, नमक मछली के पीसेस के हिसाब से डाल लेंगे और 1/2 नींबू का रस इसमें निचोड़ लेते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे मैरिनेट करने के लिए हमें रखना है 15 से 20 मिनट के लिए। इस तरह मैरिनेट करने से फिश की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो चली जाती है। इसे अब हम साइड में रख देते हैं और ग्रेवी के लिए अब हम बना लेते हैं एक मसाला। ग्राइंडिंग जार में डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, रफली चॉप करके डाल लेते हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें डाल देंगे, धनिया के पत्ते हैं मुट्ठी भर कर डंडियों के साथ, इसे भी डाल देते हैं। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये मसाला बनकर रेडी हो गया है। इसे साइड में रखेंगे और फिश जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई है उसे हमें फ्राई करना है। अब तो पैन में डाल लेते हैं 1/2 कप सरसों का तेल, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है करी में। आप चाहें तो दूसरा तेल भी ले सकते हैं। तेल को पहले हम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, फिर हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेते हैं और अब हमें इसमें सारे मछलियों के पीसेस को फ्राई करना है। मछली के पीसेस को बस 1/2 से 1 मिनट के लिए हर एक साइड पर हम फ्राई कर लेंगे। पतले पीसेस हैं, ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए हम इसे ज्यादा देर के लिए नहीं फ्राई करेंगे। सारे पीसेस फ्राई हो जाए तब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हमें डालना है 1/4 चम्मच मेथी के दाने, 1/4 चम्मच डालेंगे सरसों के दाने, 1 चम्मच डाल लेते हैं जीरा और 5 से 6 डाल देते हैं करी पत्ता। मीडियम फ्लेम पर ये सारी चीजों को पहले अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। अब 2 मीडियम साइज की प्याज है बारीक चॉप की हुई, इसे डाल देते हैं। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ फिर से हम फ्राई करेंगे इसका कच्चापन जाने तक। अब मसाला जो हमने रेडी करके रखा हुआ है इसे हमें डाल देना है। इस मसाले के साथ ही हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। 2 चम्मच भरकर डालते हैं धनिया का पाउडर, 1 चम्मच भरकर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा ग्रेवी में। 1/2 चम्मच डालते हैं हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाले का पाउडर और नमक डाल देते हैं ग्रेवी के हिसाब का। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें भून लेना है। मसाले का पानी सूखने लगे और तेल सेपरेट होने लगे तब तक हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। मसाला जैसे ही भून जाए इसमें हम डाल देते हैं पानी। मैं करीब 1 कप भरकर पानी डाल रही हूँ। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके डाल देते हैं 1/2 चम्मच कसूरी मेथी। मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों को। 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम बॉईल हो जाने देंगे। जैसे ही ग्रेवी में अच्छा सा बॉईल आ जाए हमें इसमें फिश डाल देनी है जिसे हमने फ्राई करके रखा हुआ है। फिश के काफी पतले पीसेस हैं, इसलिए हम इसे चम्मच से नहीं चलाएंगे। इस तरह से हम पैन को हिलाते हुए फिश को सारे मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब इसे ढककर हम बस 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। बस ढक्कन को हटा लेते हैं, ये हमारी बढ़िया सी आसान सिंपल फिश करी बनकर रेडी हो गई है। आप इसे सादे चावल या फिर रोटियों के साथ सर्व कर सकते हैं। मजेदार रेसिपी बनती है, ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो ऐसे ही मजेदार रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।